नागपंचमी 2019 नाग देवता से जुड़े देश के प्राचीन मंदिर जहां काल सर्प दोष से मिलती है मुक्ति। सावन के महीने में पड़ने वाली नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व है। श्रावण शुक्ल पंचमी को पड़ने वाला नागपंचमी का पर्व इस बार 5 जुलाई को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से उनकी कृपा मिलती और सर्प से किसी भी प्रकार की हानि का भय दूर हो जाता है। नागों से जुड़े देश में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहां पर काल सर्प दोष योग की विशेष पूजा की जाती है। नागचंद्रेश्वर मंदिर देश के प्रसिद्ध नाग मंदिरों में सबसे पहले बात करते हैं, जो देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर के परिसर में स्थित है। नाग देवता के इस मंदिर की खासियत है कि यह साल में केवल एक बार आम लोगों के दर्शन के लिए खोला जाता है। महाकाल मंदिर के तीसरी मंजिल पर भगवान शंकर और माता पार्वती फन फैलाए नाग के सिंहासन पर विराजमान है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन इस तक्षक नाग के ऊपर विराजमान शिव पार्वती के दर्शन मात्र से काल सर्प दोष दूर हो जाता है। तक्षकेश्वर नाथ प्रयागराज स्थित तक्षकेश्वर नाथ का मंदिर यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस अति प्राचीन मंदिर वर्णन पद्म पुराण के 82 पाताल खंड के प्रयाग महात्म्य में 82वें अध्याय में मिलता है। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन से न सिर्फ व्यक्ति का बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ी का भी सर्पभय दूर हो जाता है। मन्नारशाला केरल के आलेपी जिले से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर स्थित मन्नारशाला मंदिर एक नहीं दो नहीं बल्कि 30,000 नागों वाला मंदिर है। 30,000 नागों की प्रतिमाओं वाला यह मंदिर 16 एकड़ में हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। नागराज को समर्पित इस मंदिर में नागराज तथा उनकी जीवन संगिनी नागयक्षी देवी की प्रतिमा स्थित है।